गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर 5, मैनर्स। स्टूडेंट्स, व्हाट इज मैनर्स? ओके, मैनर्स मीन्स हम किसी को सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। दैट इज ऑल आर मैनर्स, है ना? इसे क्या कहते हैं? मैनर्स। जैसे कि हम अपने बड़े को मिलते हैं तो कैसे बोलते हैं? जय श्री कृष्ण, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग? जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, दैट इज ऑल आर मैनर्स। ओके, तो हम इसके बारे में आज देखते हैं। दैट फर्स्ट है, वाटर एंड सोप विल मेक यू स्वीट। आप हर रोज उठते हैं तो उठने के बाद आप लोग क्या करते हैं? नहाने जाते हैं ना, तो किससे नहाते हैं? वाटर एंड सोप। वाटर यानी पानी और सोप यानी साबुन, है ना? तो पानी और साबुन से आप नहाते हो ना, तो अगर आप नहाने के बाद आप कैसे दिखते हो? एकदम स्वीट दिखते हो ना, अच्छा दिखते हो ना। ओके, ब्रश एंड कॉम्ब विल कीप यू नीट। ब्रश यानी आप ब्रश करते हो, सब लोग ब्रश करते हैं ना उसको, सुबह उठकर दांत घिसते हैं ना अपने, यस। एंड कॉम्ब, कॉम्ब का मतलब क्या होता है? कंघी। कॉम्ब का मतलब कंघी। आप लोग हेयर करते हो, हेयर को कंघी करते हो, है ना? गर्ल्स है वो चोटी बनाती है, तो मम्मी आपकी कंघी करते हैं ना, तो ब्रश एंड कॉम्ब विल कीप यू नीट। नीट यानी क्लीन, नीट यानी क्लीन। नीट का मतलब क्या होता है? क्लीन, जैसे कि ब्रश और कॉम्ब आपको क्लीन करता है। बट थैंक यू, प्लीज एंड पार्डन मी विल मेक अ स्वीटर चाइल्ड ऑफ दी। जैसे पानी, साबुन, ब्रश, कॉम्ब आपको स्वीट और नीट बनाता है ना, क्लीन बनाता है ना, उसी तरह थैंक यू, प्लीज, पार्डन मी कब यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? पार्डन मी तब यूज़ किया जाता है जब आपको, आपसे कोई गलती हो जाती है। जैसे कि आप सॉरी बोलते हैं ना स्टूडेंट, जैसे आप सॉरी बोलते हैं, उसी तरह पार्डन मी बोला जाता है। जब आप, हमारी गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी। तो सॉरी की जगह हम पार्डन मी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 3 वर्ड्स है, थैंक यू, प्लीज़ एंड पार्डन मी, वो भी आपको क्या बनाता है? स्वीटर चाइल्ड, स्वीट से भी ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? स्वीटर। तो आपको वो क्या बनाता है? स्वीटर चाइल्ड। ओके, कोई आपको कोई चीज़ देता है तो हम लोग क्या कहते हैं? थैंक यू। अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आप क्या बोलते हो? प्लीज़ बोलते हो ना ऐसा। ओके, अगर आपसे गलती हो जाए तो सॉरी। तो ये जो वर्ड है वो पोलाइट वर्ड है। कौन से वर्ड है? पोलाइट वर्ड। तो वो आपको क्या बनाते हैं? स्वीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वीटर चाइल्ड। ओके, विथ क्लोथ्स दैट हैव नो स्पॉट और रेंट, विथ शूज दैट शाइन, बी नॉट कंटेंट। जैसे कि आप कैसे कपड़े पहनते हो? गंदे कपड़े पहनते हो? नहीं ना, हम कैसे कपड़े पहनते हैं? जिसके ऊपर दाग, स्पॉट यानी दाग, और रेंट यानी टॉर्न प्लेस इन पीस ऑफ क्लोथिंग, फटे हुए, टॉर्न प्लेस यानी फटे हुए। आपके कपड़े पे अगर कोई दाग है, फटा हुआ है, तो क्या हम ऐसे कपड़े पहनते हैं? नहीं पहनते ना। फिर शूज है, वो कैसे होते हैं? शाइन यानी चमकते हुए होते हैं कि नहीं? यस, जैसे कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे शूज पहनते हैं। कंटेंट, कंटेंट यानी फीलिंग हैप्पी विथ यू हैव। ऐसी चीज़ों से हमें क्या होती है? खुशी होती है ना। जैसे कि हमारे पास नए नए कपड़े हैं, अच्छे अच्छे शूज हैं, इस चीज़ से हमें खुशी होती है। यस, उसी तरह बट पॉलिश अप योर मैनर्स टू। उसी तरह हमें हमारे मैनर्स को भी हमें क्या करना चाहिए? पॉलिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पॉलिश यानी अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। मेक कर्टसी अ पार्ट ऑफ यू। कर्टसी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? पोलाइट बिहेवियर। क्या होता है? पोलाइट बिहेवियर। अगर हम अपने
मैनर्स को पॉलिश करेंगे तो हम कैसे बनेंगे, पोलाइट बनेंगे सबके साथ। कैसे बनेंगे पोलाइट, यानी हमें सबके साथ पोलाइटली बिहेवियर करना चाहिए। हमें सबके साथ क्या करना चाहिए, पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए। ओके, जैसे हम अपने कपड़े को अच्छा रखते हैं, वैसे हमें खुद को भी क्या रखना है, अच्छा रखना है, सबके साथ पोलाइटली बिहेवियर करना है। हम जैसे हमारे कपड़ों को फटने नहीं देते हैं, कपड़े पर दाग लगने नहीं देते हैं, उसी तरह हमें हमारे मैनर्स को भी दाग लगने देना चाहिए नहीं, सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। ओके, तो फिर हम फिर से एक बार ये पोयम रिपीट कर दें। वाटर एंड सोप विल मेक यू स्वीट, ब्रश एंड कॉम्ब विल कीप यू नीट, बट थैंक यू प्लीज एंड पार्डन मी विल मेक अ स्वीटर चाइल्ड ऑफ दी, थैंक यू सॉरी दैट इज मेक यू स्वीटर चाइल्ड, विथ क्लोथ्स दैट हैव नो स्पॉट और रेंट, विथ शू दैट शाइन बी नॉट कंटेंट, बट पॉलिश अप योर मैनर टू मेक कर्टसी अ पार्ट ऑफ यू। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, समझ में आया आपको। ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर निकलना नहीं है। ओके, थैंक यू।